दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके प्रोफाइल या फिर पेज पे क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने पेज या फिर प्रोफाइल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की वजह से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके पेज या फिर प्रोफाइल पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है तो उस पेज को आप लोग कैसे मोनेटाइज कर सकते हो या फिर उस प्रोफाइल को। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इजिबल क्राइटेरिया जो है वो 5 है, यहाँ पे 5 क्राइटेरियाज के कंप्लीट करना होता है तब जाके अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल को मोनेटाइज कर पाते हो, जिसमें से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 क्राइटेरिया, 5 में से 4 जो है कि कंप्लीट है, लेकिन एक क्राइटेरिया जो है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन वाला, ये नहीं है कंप्लीट। जिसमें से पहला जो क्राइटेरिया होता है इसका एलिजिबल कंट्री, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी एलिजिबल कंट्री क्या होता है, जैसे कि इनका जो इंस्टीमैट का फीचर है, वो फीचर मोनेटाइजेशन जिस कंट्री में इन्होंने रखा है उस कंट्री में हो या नहीं। तो हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया में ये फीचर है, तो यहाँ पे जो है कि यू डिसाइड इज इन एन एलिजिबल कंट्री, यानी कि हम लोग है। एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे ही आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं है, यहाँ पे क्राइटेरियाज को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इसी को हम लोग ठीक करना सीखेंगे, साथ ही साथ इसको मोनेटाइज करना सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा क्राइटेरिया जो है कि कंटेंट का, जो आपके कंटेंट है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब ये 60,000 जो मिनट्स व्यू है, ये आपको 60,000 मिनट्स व्यू लास्ट 60 दिन यानी कि 60 दिन के अंदर में आपको कंप्लीट करना होता है, जो कि यहाँ पे ये कंप्लीट किया है इस भाई ने। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ये यू शेयर एटलीस्ट 5 एलिजिबल वीडियोज, जो कि लास्ट जो है कि आपका 30 दिन के अंदर कम से कम आपके पेज पे 5 वीडियोज होना ही चाहिए, तभी आपका जो है कि पेज मोनेटाइज होगा। अदर आपके 5 वीडियोस नहीं है तो यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ क्रॉस लगा होता है, जो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे है। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसको ठीक करना सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं वो सब कुछ सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना, मैं पहले बता रहा हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं बल्कि मेरे सब्सक्राइबर बोले, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ, जिन तरीकों को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो। आप में से वैसे बहुत सारे पुराने हमारे ऑडियंस है जो कि इस वक्त अर्निंग कर भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, इसको कट कर देते हैं, ये हमारा एक पेज है जिस पेज पे आप सभी देख सकते हो कि ये फॉलोअर्स तकरीबन 5,600 फॉलोअर्स है, लेकिन जैसे यहाँ पे मैनेज पे हमने क्लिक करा और नीचे जाते हैं मोनेटाइजेशन सेक्शन पे क्लिक करते हैं, उसके नीचे और हम लोग जब इंस्ट्रीमैट पे क्लिक करते हैं, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिर्फ एक क्राइटेरिया कंप्लीट ना होने की वजह से ये पेज जो है कि मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें इस पेज को मोनेटाइज करने के लिए ये समझना होगा कि इस पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है। पहला नंबर तो आपको पता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, एंड दूसरा नंबर होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ताकि हम इसको ठीक कर सके। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। आप में से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग अलग होता है। यस, और दोनों का ठीक करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे और हमें जाना होगा गूगल पे। तो चलिए गूगल महाराज को ओपन करते हैं। यहाँ पे गूगल महाराज को हमने ओपन कर रखा है पहले से ही। तो गूगल में जो आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे चलिए मान लो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आपके सामने जो है कि ऊपर ही ये जो क्रिएटर स्टूडियो आएगा, इसको जस्ट आपको ओपन कर लेना है। ये हमें ले जाएगा मीटा बिजनेस सूट के अंदर, जो कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो। और इस पेज पे जो ऑलरेडी हमारा पेज है भक्ति सागर वाला ओपन है, जिसपे मैंने कुछ लाइव वीडियोज डाले हैं, उसको ठीक करने के लिए आपको शो कर रहा होगा। चलिए ये लाइट नहीं, अब थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पे इसको और जूम करेंगे और जैसे हम लोग जूम किए तो आपको यहाँ पे वो जो भक्ति सागर वाला पेज है वही आपको दिखेगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पेज, आपको अगर यहाँ पे तीर वाले आइकॉन पे क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा ये जो इतने सारे पेज, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पेज को हम लोग यहाँ पे चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा उसको मोनेटाइज करने के लिए मोनेटाइजेशन पे आके, कि भैया ये मोनेटाइजेशन में के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आया है, जिस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये मोनेटाइजेशन का सेक्शन। जैसे हम लोगों ने मोनेटाइजेशन पे सेक्शन पे क्लिक किया तो ये आपको दिखा रहा होगा, ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे बताता है कि इनस्ट्रीम ऐड के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, स्टार्स के लिए क्या चाहिए, ये इनस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव्स के लिए क्या चाहिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है।
लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो बता रहा है एक्शन रिक्वायर, यानी कि ये एक्शन रिक्वायर बता रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको सी डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा पहले कि आपके जो पेज है या फिर प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पर क्या प्रॉब्लम आया है। प्रोफाइल तो यहाँ पर नहीं खुलेगा, सिर्फ पेज ही खुलेगा। तो प्रोफाइल को क्रिएटर स्टूडियो में कैसे खोलते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जो सी डिटेल वाला है, इस पर क्लिक करके हम लोग चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, कौन सा इशू है। सी डिटेल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे खुल के आएगा भैया मोनेटाइजेशन इशू में। ये जो मोनेटाइजेशन इशू में आपको यहाँ पे शो करेगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो यानी कि इस पेज पे जो है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अब ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कैसे ठीक करना है वो ध्यान से समझना, ताकि आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सको। सबसे पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए कई बार होता है कि हम लोग टेक्स्ट की वजह से भी आ जाता है, कीवर्ड की वजह से भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वीडियोस को डिलीट करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस थे उसको डिलीट कर दिया है। यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, और कुछ वीडियोस को हम लोग जो है कि रहने देंगे। चलिए वीडियोस के सेक्शन, पोस्ट के सेक्शन में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते जाता हूँ। ये मेरे खुद के वीडियो और ये लाइव वगैरह है, तो इसमें जो भी आपको बेकार सा कंटेंट लगेगा, ये देखो ये कुछ ऐसा जा रहा है, वॉइस को कम करते हैं, ये गाना वाला है, तो गाना को जो है कि हम लोग डिलीट कर देंगे, या फिर जो भी आपका ये जुबिन नौटियाल का गाना दिख रहा है इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये बॉलीवुड से रिलेटेड है और इस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये अरिजीत सिंह फैन क्लब, अरिजीत सिंह का गाना ज़्यादातर बड़े म्यूजिक लेवल से आता है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर से हमारे सामने एक और ये आता है, ये जुबिन नौटियाल का, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। बाकी ये जो हमारे सामने ये सब वीडियो है, ये भक्ति वाले वीडियोस है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं आएगा कुछ। तो हमने जो काम करना था वो अभी कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपके अगर पेज या फिर प्रोफाइल पर कुछ वीडियोस है तो उसको पहले डिलीट कर लेना। अगर आपके ओरिजिनल वीडियोस है तो उनको मत डिलीट करना। आपको जो आपके ओरिजिनल वीडियोस होंगे अगर उसमें आपको कोई भी ऐसा लगेगा कि भाई ये जो कंटेंट है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के अंदर आता है, या फिर ये जो कंटेंट है ये वल्गर कंटेंट है, कुछ टाइप के इस टाइप के कंटेंट है, उसको सबसे पहले आपको डिलीट कर लेना है। जैसे आप उसको डिलीट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए सबसे पहले बैक आ जाना है, एंड जैसे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना, सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक करना, देन आपको एक बार यूअर अलर्ट में आना है, ठीक है। यहाँ से एक फ़ोटो लेना है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो कि अभी नए नए में आपको देखने को मिलता होगा पेज विजिबिलिटी वाला, वो है। फिर से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को मिस मत करना वरना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से उस पार्ट को देख लेंगे ना, जिस पार्ट पे आपको समझ ना आए। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, मोनेटाइजेशन का जो सेक्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। नहीं, ये पेज रिकमेंडेशन वाला, ये गलत बोल दिया मैंने, जस्ट हम लोग पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये पेज स्टेटस का, आपको इसी पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आएगा आपको यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, बस इसके ऊपर आपको टैप करना है। देन जैसे यहाँ पे टैप करोगे तो आपके जो पेज है उस पे आपको यहाँ पे भी शो करेगा कि भैया आप पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हुआ है। अगर कंटेंट होता तो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन ही दिखाता, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया। देन यहाँ पे पेज नॉट एलिजिबल का भी आया, और जैसे हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आएंगे तो ये आपको एकदम क्लियरली बताएगा कि ये आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड दैट वी कैनॉट अप्रूव दिस पेज राइट नाउ, ये कुछ ऐसा बता रहा है। उसके बाद बताया कीप शेयरिंग कंटेंट दैट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ हमने कुछ कंटेंट्स यहाँ पे शेयर कर दिया जो इनकी टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड दैट्स वी कैन नॉट अप्रूव, जो भी इनका ओवर टेक्नोलॉजी जिन्होंने डिटेक्ट किया है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, वो सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे समझना है आपको, हमने वो सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया तो अब फेसबुक हमारे पेज को चेक करेगा, तो फेसबुक को हमारे पेज पे कुछ भी ऐसा वायलेशन नहीं दिखेगा जिस वजह से वो हमारे पेज को ठीक करेगा। इसी वजह से हमने उन वीडियोस को डिलीट किया और हमारे खुद के तीन वीडियोस फेस के यहाँ पे रखे हैं, और इस तीन वीडियो को हम लोग बढ़ाते जाएंगे डेली, एक दो करके फेस वाले वीडियो को बढ़ाते जाएंगे, जो कि आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे चलिए बैक आ जाते हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे उनको मैं पहले से बोल देता हूँ, वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना। यहाँ पे जैसे वीडियोस पे आएंगे तो देखो यहाँ पे वीडियो, तो यहाँ पे दिखेगा ये मेरा वीडियो, देखो यहाँ पे मेरा वीडियो ही दिख रहा है आपको इसी टी शर्ट का। तो हमने यहाँ पे जो है कि कुछ अपने खुद के फीस वाले वीडियोस डाले ऐसे नॉर्मली, ठीक है। आप इस पेज को सर्च करके देख भी लेना, जस्ट यहाँ पे हमने कर दिया। और हमने जो मैनेज पे क्लिक करके
पेज रिकमेंडेशन पे गए थे, पेज नॉट एजिबिलिटी पे, वहाँ पे फिर से एक बार हमें जाना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंफर्म करा दिया कि कुछ सारे वीडियोस को डिलीट करके खुद के वीडियोस होने चाहिए। ये नहीं कि आपके फेसबुक टीम जब आपके पेज को चेक करे उस वक्त आपको कुछ आपके पेज पे कुछ ऐसा कंटेंट मिले या फिर ऐसा कुछ वायलेशन मिले जैसे कि आपके पेज को ठीक न करे। ज़्यादातर क्रिएटर्स ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोनेटाइजेशन सेक्शन पर बैक आ जाते हैं और थोड़ा सा ये जो है मैनेज का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो ये पेज रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन है, फिर से इसी पे आना है आपको, जो पेज नॉच एलिजिबिलिटी वाला था, पेज स्टेटस पे क्लिक करेंगे और रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान से समझना, फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट लिया हमने, दो स्क्रीनशॉट लिए, अब यहाँ पे तीसरा स्क्रीनशॉट किसका ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से हम लोग मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आएंगे। जस्ट हम लोग मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आएंगे तो हमारा जो इन स्ट्रीम ऐड का जो क्राइटेरिया है इस पर हम लोग क्लिक करके यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो सारा होगा वो और ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन दिखना चाहिए, ये यहाँ का एक स्क्रीनशॉट लिया हमने, यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब हमने तीन स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहाँ पे जो है कि हेल्प एंड सपोर्ट पे आना है और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे करना है। अब रिपोर्ट करने का जो सही तरीका है वो हर किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आप में से लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि उसी वक्त ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे देखो रिपोर्ट अबाउट स्पैम स्कोर नॉट बी सबमिटेड हियर, इसका छोड़ो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो उनको लगता है कि एकदम जल्दी ठीक हो जाएगा, हमारे पास जो पेज है तो पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे डाटा मोड सीक्वेंस फीड्स जो भी है, गेमिंग वीडियो जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे जो पेज से प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो आपका पेज है तो पेज पे क्लिक करना, अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पे क्लिक करना। तो मैं सिर्फ पेज पे ही क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास पेज है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट को कट करना है। अब देखो रिपोर्ट करने के लिए आपको जो उसमें रिपोर्ट में क्या लिखना है वो सही तरीके से लिखना होता है, तभी आपकी जो है रिक्वेस्ट वहाँ पर जाती है और वो लोग आपके रिक्वेस्ट को सुनवाई करते हैं। अगर कुछ भी लिख के भेज दोगे तो आपके पेज को चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आज आपको यहाँ पे पेज का लिंक नहीं देना क्योंकि हम इसी पेज से क्लिक देने वाले हैं। तो यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। देखो फोटो अपलोड फोटो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, जो अभी हमने तीन स्क्रीनशॉट लिए उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे फेसबुक को हमें भेजना है। तो चलिए अपलोड फोटो पे हम लोग क्लिक करेंगे, पहला फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर से अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया एंड तीसरा। देखो एक में फेसबुक बता रहा है कि नो वायलेशन नहीं कर रहा है, दूसरे में पेज एलिजिबिलिटी बता रहा है और तीसरे में बता रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो ये तीनों चीज़ों को भेजेंगे तभी तो उसे समझ आएगा कि भाई हमारे पेज पे क्या प्रॉब्लम है, तभी तो हम अपने पेज को मोनेटाइज कर पाएंगे। डिस्क्राइब में क्या लिखना है, चलिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो ये जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट लिख के रख दिया है, जिस पोस्ट के अंदर साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्या क्या लिखा है। डियर फेसबुक टीम, यहाँ पे मैं आपको और क्लोज करके पढ़ के दिखाता हूँ। आई एम राइटिंग अ रिस्पॉन्स टू दी नोटिस आई रिसीव्ड रिगार्डिंग अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ फेसबुक पॉलिसीज एंड रिलेटेड टू द वीडियो ओरिजिनलिटी कंटेंट ऑफ माई फेसबुक पेज। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट नो वीडियोज हैज़ बीन अपलोडेड ऑन माई फेसबुक पेज एनी अदर क्रिएटर्स एंड देयर बिफोर आई बिलीव दैट माई पेज इज नॉट इन वायलेशन ऑफ फेसबुक पॉलिसीज, कुछ ऐसा लिखा है। और नीचे आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा जो भी आपके पेज पर प्रॉब्लम है, सारा मैंने चार इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं यहाँ पे, जिससे फेसबुक पढ़ते ही उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है इसके पेज पे और ये बंदा परेशान है, तो आपके पेज को देखेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसे लिख देते हैं और ये पेज नेम और प्रोफाइल वो सब नहीं डालना, ठीक है, यहाँ पे सिंसियरली। और यहाँ पे पेज नेम को हम लोग फिल करेंगे, पेज नेम सिर्फ नेम नेम और नीचे करके यहाँ पे भक्ति सागर BHAKTI भक्ति सागर, पेज का नाम है हमारे भक्ति सागर, तो पेज का नाम आपको लिख लेना। बाकी वहाँ से जो हमने कॉपी करा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा डेयर फेसबुक टीम, उसके आगे जो यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे रिपोर्ट करो, उसको आपको कट कर देना है, उसको मत रखना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी ऐसे रिपोर्ट करने वाले को डिलीट कर लेना, सेम वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत कर देना। चलिए यहाँ पे हमने सारा कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सबमिट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बस हम लोग सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन कितनी देर में आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो फाइनली बग रिपोर्टिंग, यहाँ पे थैंक्स योर फीडबैक हेल्प इम्प्रूव फेसबुक, ये फेसबुक हमें थैंक्स बोलते हैं आप हमारे फीडबैक के लिए, क्योंकि उसको पता है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी तो यही लोग हमें बताएंगे और उस चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा काम कर दिया,
आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि आप लोग इस टाइप के पेज को कैसे मोनेटाइज करते हो। देखो, जब आप इतना काम कर लेते हो और इसके बाद आप यहाँ पे आप खुद की वीडियोस को डालोगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद की वीडियोस को डालोगे, और जैसे जिस प्रोसेस को मैंने बताया, इस प्रोसेस को आपको फिर से 2-3 दिन में रिपीट करना है, यानी कि फिर से फेसबुक टीम को मैसेज करना है, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैसेज करना है, ऐसे करते रहना। और इस दौरान आप किसी की भी कॉपी पेस्ट वीडियो मत डालना, क्योंकि जब वो आपके फेसबुक पेज को चेक करने आते हैं फेसबुक की टीम, और उनको लगता है कि इस पे तो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी वीडियोस हैं, तो इस वजह से आपके पेज को ठीक नहीं करते हैं। और आप लोग सोचते हो कि भाई हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसा आप बताते हो, तो फिर हमारा ठीक क्यों नहीं होता? तो कुछ यही प्रॉब्लम की वजह से आप सभी का ठीक नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि इस दौरान आपको सिर्फ खुद के वीडियोस डालने, बेशक आप कुछ बोलो या फिर मत बोलो, सिर्फ लाइव आ जाओ, लाइन में रहो, या फिर किसी का भी आगे पीछे सीन दिखा सकते हो, जैसे गाड़ियों का या फिर फूल का या फिर बगान का या फिर खेत का या फिर किसी जानवर का, किसी भी ऐसे, या फिर कोई घर दिखा सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ को वीडियोस के माध्यम से दिखा के अपलोड करते रहना, ठीक है? फिर आपका 100% जो है कि ये ठीक हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मैंने बहुत बार किया नहीं ठीक होता, भाई ठीक होता है, बस सब्र करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि फेसबुक में जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका भी ठीक होता है, उनका भी ऐसे ही ठीक होता है, तो आपका भी ऐसे ही ठीक होगा। और ऐसे हमने ना जाने कितने पेजेस को मोनेटाइज किए जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, तो आपको इसी हिसाब से काम करना है, तब जाके आपका 100% ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज सीखने को मिला है, मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।